हम जानते थे कि एक ना एक दिन तुझे ढूंढ ही लेंगे नागिन। अब अगर तेरे जहर के दांत तोड़कर खिलौना नहीं बनाया तो हमारा नाम भैरवनाथ नहीं। भाई सब सुनिए, अंबालिका आइए आइए, पधारिए पधारिए, आपका स्वागत है। अंबालिका? हाँ, आपके चेहरे पर जो ये चिंता की रेखाएं हैं ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी क्योंकि आप एक महान भविष्यवक्ता के स्थान पर आई हैं। हरिओम। आइए 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 आइए। हरिओम हरिओम। अंबालिका जी। कौन है बाबू? मेरा मतलब है कि भक्त आए हैं। भक्तों को भेजो बाबू। आइए आइए। आपकी भविष्यवाणी सच निकली। उस कार दुर्घटना में हम बाल बाल बच गए। हमें आपकी शक्ति पर पूरा विश्वास है, इसलिए हम आपसे कुछ और जानना चाहते हैं। बिराजी, क्या समस्या है? हम जानना चाहते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है। घर पे नहीं है, कहीं चली गई है। अच्छा अच्छा, तो घर से भाग गई है? हाँ जी। नहीं, वो बचपन में खो गई थी। बचपन में खो गई थी तो आप उसे अब ढूंढ रही है? बचपन में ढूंढना चाहिए था ना, अब तो कितना मुश्किल होगा उसे ढूंढना, पता नहीं कहाँ होगी। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, बताइए ना वो कहाँ होगी। अच्छा, अब हम सबकी मदद करते हैं तो आपकी भी करते हैं। लाइए अपना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम कोई रास्ते पे बैठे हुए वो तोता ज्योतिष नहीं है जो हाथ देखकर आपका भविष्य बता दे। जी, हमें आपके हाथों को महसूस करना होगा। हाथ रखिए। आपके हाथ को छुआ, मैंने देखा कि एक लड़की ढेर सारे नाग नागिनों से घिरी हुई है। वो किसी पेड़ के पास कोई पूजा कर रही है। अगर वो लड़की इतने सारे नाग नागिनों से घिरी है तो वो भी कोई नागिनी होगी ना। और आप कह रही है कि वो आपकी बेटी है तो जाहिर सी बात है कि आप भी नागिनी होंगी, है ना? हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया है नागों के साथ, इस जन्म में ये मेरे साथ ही नहीं छोड़ रहे। आप मुझे बता सकती हैं कि वो पेड़ कहाँ है जहाँ मेरी बेटी पूजा कर रही है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता वो पेड़ का है। लेकिन आपकी बेटी जिंदा है, मरी नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन पेड़ के बारे में कुछ नहीं जानती। आप जाइए ना। पागल हो क्या? किसी को भी उठा के ले आते हो। मुझे ना नागों से मिलने का कोई शौक नहीं है बाबू। अगली बार जरा पूछ के लाना। हे भगवान, ऐसा मैंने क्या किया था नागों के साथ? भगवान, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। देखा आपने कैसे भोली बनकर हमारी पोती के साथ खेल रही है? पापा, यही है वो नागिन। आखिर हमने तुझे ढूंढ लिया नागिन। बहुत से हिसाब चुकाने हैं तुझसे, पर इस घर में तेरे रहते हुए हम तुझे अपने वश में नहीं कर पाएंगे। अब हम तेरी असलियत तेरे परिवार वालों के सामने लाएंगे और वो तुझे इस घर से बाहर फेंक देंगे। उसके बाद हम दोनों आमने सामने होंगे। ये हमारी तरफ क्यों?
क्यों आ रही है जी? अगर उसने हमें देख लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा जल्दी कुछ कीजिए बाबा। अमृता बेटा कहाँ जा रही हो? यहाँ आइए, हमारे पास आइए। बच गए। कुछ वक्त और इन रिश्तों का आनंद ले लेना नागिन, क्योंकि जल्दी ही हम तुझे यहाँ से बाहर करवा देंगे। इस घर में तेरा दाना पानी खत्म। कात्यायनी, कान खत्म। उजंग, तुम्हारी दुकान में बहुत रहस्यमय चीजें हैं, नागलोक की ऐसी ऐसी चीजें जिनके बारे में हम नागलोक के लोग भी नहीं जानते। नागलोक से आए हो? नागलोक के रहस्य जानने आए हो या इस लोक के रहस्य जानने आए? दोनों। कुछ ऐसे राज भी हैं जो पहले नागलोक के थे, अब इस लोक के हैं। मतलब? तुम त्रिवेणी को जानती हो? हाँ। वो यहाँ अक्सर मिलने तुम्हें आती होगी। तुम्हें एक नागिन से डर नहीं लगता? कौन है तुम? तुम्हें कैसे मालूम कि त्रिवेणी है? तुम त्रिवेणी की बेटी के बारे में क्या जानती हो? बेटी? कौन बेटी? उसके तो दो दो बेटे हैं बस। वो बेटी जिसे उसने नागलोक में जन्म दिया था। अच्छा, अब ये मत कहना कि वो इंसानों की दुनिया में कहाँ है तुम्हें नहीं मालूम। इस कात्यायनी के पास बहुत से लोग आते हैं अपने दिलों में राज छिपाए, लेकिन कात्यायनी कभी किसी का राज किसी को नहीं बताती। किसी एक के साथ विश्वासघात कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन भुजंग, कात्यायनी की आदत में ये शुमार नहीं है। बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम आसानी से बताओगी या फिर मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। बालिका ने देखा कि अमृता तुम अपने परिवार के सामने नाच रही। अनजान चाहे जो भी हो, हम माँ को सच सच बता के रहेंगे। अमृता आइए ना। अमृता दीदी आ गई, अमृता दीदी आ गई। अच्छा आप आ गई। जरा बताइए तो परी पे रंग कैसा लगेगा? हाँ। परी पर तो हर रंग अच्छा लगता है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए ना, क्या बात है? सच ये है कि हमें उल्लू की क्यारी में एक सांप है। तो सांप से बहुत डर लगता है। रघु तुम जल्दी जाओ और उसे बाहर निकालो और सबको फिर साथ लेकर जाओ। जल्दी करो ना। जी हुकुम। अरे शंभू काका, शंकर कहाँ है सब? जल्दी आइए ना। जरूर बेटा, शांत हो जाइए। अगर इन्हें पता चला कि हम एक नागिन है तो ये हमें घर से बाहर निकलवा देंगे। अमृता, वो आपको कह रही थी ना, वो हम सांप के बारे में सुनकर थोड़ा डर गए थे। बताइए ना, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं थी। हमें इसके व्यवहार पर शक हो रहा है। ऐसा शक
ये हमारा कहना ही नहीं मानती। बाबा आज हम तय कर लेते हैं कि मुझे कहना किसका मानना है, आपका या इनका। ये हमारे घर में दूध नहीं पीती बाबा। आपने ही कहा था नागिन तब किसी के घर का दूध नहीं पीती जब उसे उस घर में नुकसान पहुंचाना होता है, और तो और ये हमारे घर में पूजा तक नहीं करती। रुद्रा व्यर्थ संदेह करना बंद करो। अरे हमने इसे मना किया है तुम्हारे घर में पूजा करने के लिए, क्योंकि इंसानी पूजा करके नागिन दुर्बल हो जाती है और हम इसे शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, दुर्बल नहीं। और दूध, अरे कनक एक अच्छी नागिन है रुद्रा, वो तुम्हारे परिवार का नुकसान क्यों करना चाहेगी, बोलो। ठीक है, आपको इस पर यकीन है और हमें आप पर, आप कह रहे तो सही होगा। प्रणाम मामा। कभी कभी आवश्यकताओं के अनुसार विश्वास तोड़ने पड़ते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो हमारे निर्देश पर कनक तुम्हारे परिवार के विरुद्ध भी कार्य करेगी, क्योंकि मणि की राह में जो भी आएगा हमें उसे हटाना होगा, फिर वो तुम ही क्यों ना हो। तू ही फकीर, तू ही है राजा, तू ही है साईं, तू ही है बाबा। साईनाथ, 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ, तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ, 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 तेरे हजारों हाथ। इच्छाधारी नागिन, आज तेरा भेद तेरे परिवार वालों के सामने खोल देंगे। माँ, हम पंडित जी से प्रसाद लेकर आए। इत देखूं तो तू लागे कन्हैया। देखो उसे, आज तुम्हें उस महिला को डसना है। देखो जाओ। अरे हटो, हटो, हटिए, हटिए, हम देखते हैं, हटिए, हटिए। लगता है इन्हें तो किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। जीवन की आशा कम है, फिर भी हम प्रयास करते हैं। यदि तुझे अपनी माँ को बचाना है तो नागिन बनकर इसका जहर निकालना होगा। बाबा आप देख क्या रहे हैं, हमारी बहू को बचाई। हाँ कुछ करते हैं, हम अपनी माँ को कुछ नहीं होने देंगे। जय महाकाल।
हमारी बहू को बचा लीजिए। अरे कुछ नहीं होगा। मौके का लाभ उठा लिया इसने, बिना किसी की नजर में आए नागिन बन गई। बेहोश कैसे हो गए? माँ वो आपको? नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ आपको, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। तो शुक्र है साई बाबा का, सब कुछ ठीक कर दिया उन्होंने। कब तक छुपा पाएगी अपना भेद, कब तक खेलेगी ये आंख मिचौली, हम जल्दी ही तेरा पर्दाफाश करेंगे। बड़ी प्यारी बच्ची है, आपकी लगती है। मौसम ने अचानक इतनी धुंध। कात्यानी, अचानक न जाने क्यों तुम्हें जीने का एक और मौका देने का दिल कर रहा है। बताओ कात्यानी, त्रिवेणी की बेटी कहाँ है? कात्यायनी के सीने में बहुत से राज दफन है, और ये सभी राज कात्यायनी के मौत के साथ ही जाएंगे भुजंग। बहुत आसान लगता है ना तुम्हें मरना, आज मैं तुम्हें मौत का एहसास दिलाता हूं। ऐसा मोह कात्यानी, जिंदगी तो खत्म होने वाली है, तो जिंदगी भर की मेहनत का क्या दुख। कितनी मजबूर हो तुम कात्यानी कि तुम अपनी मौत पे आंसू भी निभा पा रही हो, पर तुम महान हो, किसी और के राज को छुपाने के लिए अपनी जान दे रही हो। लो मैं तुम्हारी मौत आसान कर देता हूं। रुक जाओ, बताती हूँ भुजा।